बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर, तो उम्मीद करता हूं कि तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। तो आज का विराज शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद इधर सूरज भी निकला हुआ है, माशाल्लाह धूप निकली हुई है और मैं कर रहा था पैनों की सफाई और बड़ी खुशी हुई थी सूरज निकल रहा। दूसरी बात यह है कि मैंने सोलर पे आटे वाली चक्की जो है ना वो भी चला दी है। मुबशर भी मेरे साथ है। मुबशर से मैं ये पूछ रहा हूँ, चक्की चल रही है आटे वाली सोलर पर, तो क्या आपको चक्की की आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही? नहीं दे रही, कम दे रही। फिर पहले जब मैं फीटर पे चलाता था बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, हम बात भी नहीं कर सकते थे इतनी ज़्यादा बात की, और उसका शोर इतना होता था ये छत भी ऐसे लगते थे हिलती है। बड़ी खुशी हुई क्योंकि आज धूप निकली। काफ़ी दिनों के बाद जब से मैंने सोलर वाली मोटर लगाई तो धूप भी नहीं निकली थी, लेकिन आज धूप निकली है और कुछ मैंने गंदम की साइड की। पहले जब मैं फीटर पर चक्की को चलाता था ना, यानी कि आपको पता है भाई तेल हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगा, 300 रुपये पाउंड 300 रुपये इस वक्त की लीटर है। फिर जब मैं डीजल इंजन पे ना पिसाई करता था तो काफ़ी सारा खर्चा हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने सोलर लगाया है, लेकिन पहले तो मैंने चलाया नहीं है, लेकिन आज पहली दफ़ा मैंने चलाया, पर एक दफ़ा थोड़ा सा चलाया है, एक दो मंथ की पिसाई की थी, तो आज थोड़ी सी धूप भी ज़्यादा निकली है और उसकी मैं पिसाई कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि एक बार खर्चा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर डीजल वगैरह का जो खर्चा वो नहीं होगा, यानी कि अब जो पिसाई होगी वो फ्री में होगी। तो बड़ी खुशी हुई, तो चलते मैं आपको भी दिखाता हूँ चक्की चल रही है। भाई हम चक्की वाले कमरे में पहुँच चुके हैं। इधर देखे, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है मोटर की या मशीन की? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आवाज़ है, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। पहले हम यहाँ खड़े होकर ना बात भी नहीं कर सकते थे। तो ये देखे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मोटर चल रही है और इधर चक्की भी चल रही है और इसकी पिसाई भी हो रही है। जब गर्मी आ जाएंगी तो सूरज ज़्यादा निकलेगा, धूप ज़्यादा तेज़ होगी तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। अच्छा, तो फिर एक काम करें, इसी खुशी में ना कुछ खाने के लिए हो जाना चाहिए। बना लो जो आपकी अम्मी बनाती है, कोई चीज़ बनाएं, आप भी खा लें और मैं भी खा लूँगा। आज बहुत खुशी है, काफ़ी दिनों के बाद बड़ा इंतज़ार किया है भाई, सूरज कब निकलेगा और हम मोटर को कब चलाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड टाइम सूरज निकला, निकला तो सेकंड टाइम है, लेकिन थोड़ा सा निकला और बड़ी खुशी हुई। इधर देखें धूप भी निकली हुई माशाल्लाह, और सूरज भी चेक करें माशाल्लाह। भाई कुछ बना लें इसी खुशी में, अम्मी से मशवरा कहा, चलो पकौड़े बना रहे हैं, ये भी सही है, हो सब्जी वाले बना रहे, कोई भी बना रहे, चिकन वाले नहीं बनाने, सब्जी वाले बनाने, ठीक है ना। अभी इधर मैं किचन वाली साइड आ चुका हूँ, तो अब्बू जी ने ना फरमाइश की थी पकौड़े जो है वो बना के खिला दो, जो आपकी मर्जी, चिकन वाले हो, सब्जी वाले हो, जो भी हो। तो इधर फिर वही सारा सामान जो निकाल लिया, तो अम्मी जी तैयार करने लगी हैं जी पकौड़े, तो अब्बू जी की फरमाइश पे तैयार कर रहे हैं। तो असल में ना हम तैयार करने लगे हैं जी सब्जियों वाले पकौड़े, तो सारी सब्जियां जो है ना वो आई पड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सारा पकौड़ों का सामान दिखा देता हूँ जिसके मैं समझ जी पकौड़े बना रही हैं। तो काफ़ी मज़ेदार ये पकौड़े जो तैयार होने वाले हैं, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इधर सबसे पहले तो सब्जियां जो है ना वो आ जाती हैं, सबसे पहले तो आ गई है ये इधर सब्ज धनिए, इधर ये प्याज के जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं ना, ये वाले, ये हो गए, और उसके बाद इधर रही जी ये पालक, और इधर रही जी हमारे पास गोभी, ये रहे जी हमारे पास आलू, इधर रहा जी बेसन, सब्ज मिर्चें, प्याज, टमाटर, इधर पीसी सूखी धनिए, इधर है जी चंद खुश्क मसाला जात, इसमें है जी नमक, सुर्ख मिर्चें, दरदरी मिर्च और हल्दी, और इधर ये रहे जी बर्तन, पानी। तो इन तमाम चीज़ों से ना अम्मी जी पकौड़े जो है ना वो अब्बू जी के लिए तैयार करने लगी हैं। तो अभी इन तमाम चीज़ों का ना काट के ना इधर इस बर्तन में ना मिक्स करते जाना है, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमने पहले ही धो के रख ली थी, तो अभी इनको काटते हैं। सबसे पहले पालक, ये प्याज के पत्ते, सब्ज धनिए, आलू और गोभी, और प्याज, सब्ज मिर्चें और टमाटर, इन सब्जियों को ना पहले काट के इधर इस बर्तन में डाल लेते हैं। सारी चीज़ें जो है ना बस इधर एक ही बर्तन में मिक्स करनी है। ज़हन में मेरी और बात आई है, वो असल ये कि मैंने ना टिकटॉक पे बनाया हुआ है एक अपना अकाउंट, अभी अभी बनाया है उसको, कहीं मेरे ख्याल 14 से 15 दिन हो गए, बस न्यू अकाउंट है। तो उसका नाम मैंने रखा हुआ है मुबशर मुनव्वर व्लॉग्स, जो मेरे चैनल का नेम है ना, मेरे टिकटॉक अकाउंट का नेम भी वही है। तो मैंने बस अभी अभी बनाया है, तो चंद एक व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स को नहीं पता होगा। वो मैंने कहा कि आप बता दूँ, और आप जाकर ना वहाँ पर भी फॉलो कर लें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। और जो चैनल पर है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इधर ये सारी सब्जियाँ जो है वो भी काट रही हैं, सबसे पहले इधर ना पालक जो है ना उसकी कटाई हो रही है। तो पालक जो है ना वो तो सारी गई जी काटी इस तरह ब्रेक ब्रेक, अभी पालक को हम ना इधर बर्तन में नहीं डाल रहे, इसको अभी मिक्स नहीं करना, इसके ऊपर पहले तो लगाना है नमक, ऐसे ना नमक ऊपर डाल देना ऐसे, और इसको रख देना जी थोड़ा सा मिक्स करके साइड पे, क्योंकि पालक जो होते हैं वो होती है थोड़ी सी कड़वी, तो इसको इस तरह नमक लगा के 1-2 मिनट के साइड पर रख देंगे ना, तो इसके ना थोड़ी सी कड़वाहट जो है ना कम हो जाएगी। तो इस तरह नमक जो है वो हमने लगा के रख दिया इसको, अब इसको 2 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं, और तब तक ये बाकी की सारी चीज़ें काट के इस बर्तन में डाल लेते हैं, इसको ना फिर ऊपर साइड पर डाल देंगे।
तो सारी सब्जियां जो है ना वो बारीक बारीक काट गई हैं। इधर देखे ना, ये आलू भी काट गए हैं और ये रही जी गोभी और टमाटर हो गए, सब्ज मिर्चें हो गई, प्याज हो गए और प्याजों के जो पत्ते होते हैं ना वो काट के डाले थे, और सब्ज धनिए और टमाटर, ये चंद एक सब्जियां जो है ना वो हमने किधर ना काट के इस तरह डाल ली है। और ये पहले हमने जो पालक काट के रखी थी इसको नमक लगा के रखा हुआ था ताकि इसकी कड़वाहट कड़वाहट जो है ना अंदर वो कम हो जाए। तो अभी इसको पड़े हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं नमक लगे हुए, तो अभी इसको इधर से उठा के इधर इस बर्तन में डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को ना आपस में मिक्स कर लेते हैं, अभी इन तमाम चीज़ों को ना मिक्स करते हैं आपस में। बेसन जो है वो भी इसमें डालते हैं और इसके अलावा ये खुश्क मसाले जो पड़े हैं ये भी इधर डाल देते हैं। ये रहा जी हमारे पास बेसन, ये रही जी पीसी हुई खुश्क धनिए, ये देखें, और इधर है जी खुश्क मसाला जात मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। ये रही जी दरदरी मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी, ये चार मसाले भी डाल देते हैं सारे ऐसे एक ही जगह। तो सारी चीज़ इधर हमने ना मिक्स कर दी, अभी हाथ की मदद से पहले इन तमाम चीज़ों को आपस में कर लेते हैं जी मिक्स। तो सारी चीज़ें जो है आपस में मिक्स हो चुकी हैं, तो अभी इसमें पानी डाल के ना इसको ना गूंद लेते हैं। सब्जियों वाले पकौड़ों के लिए मसाला जो है ना वो तैयार हो चुका है, अभी इसको तकरीबन हम रख देना 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे, और उसके बाद फिर पकौड़ों की तलाई जो है ना वो शुरू करेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इस मसाले को रखे हुए, तो अभी मसाले को हम बाहर इधर चूल्हे पे लेके आ चुके हैं, इधर ना अपनी मॉडर्न किचन में लेके आ चुके हैं। इधर चूल्हे में आग जो वो भी जल गई है, तो अभी बारी है पकौड़ों की तलाई करना, तो अभी इनकी तलाई करते हैं। कढ़ाई भी लेके आ चुके हैं, बाकी के बर्तन भी लेके आ चुके हैं, तो इस कढ़ाई में पकौड़ों की तलाई करेंगे। और घी जो वो डाल लिया है, सबसे पहले तो घी को कर लेते हैं गर्म, घी जो है ना गर्म हो चुका है, तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं काम को शुरू करते हैं, पकौड़ों की तलाई करते हैं। घी जो ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, आप देखना जल्दी जल्दी पकौड़े बन जाएंगे और फिर हम बैठ के खाएँगे और टेस्ट भी करेंगे और आपको भी बताएँगे किस तरह के बने हैं। और इधर शहरी भी आ गया पकोड़े खाने के लिए। हाँ जी खाने हैं, क्यों दिल नहीं कर रहा? अच्छा हाँ, ये शहरी भी आ गया, इधर बिल्ली भी आ गई हमारी, किधर गई? ये आ गई है, ये देखें। तो जब भी कोई खाने की चीज़ बनती है बिल्ली पहले आई होती है। तो ये पहला पूर जो है ना पकौड़ों का वो तैयार हो चुका है, तो अभी इसको कढ़ाई से बाहर निकाल के तो हॉटपॉट में डाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेक करें पकौड़ों का, गरम गरम है अभी, माशाल्लाह से काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही है और दिखने में भी ना काफ़ी मज़ेदार से लग रहे हैं, ये देखें ना इस तरह। तो अभी इसी तरह सारे पकौड़ों की तलाई जो कर लेते हैं। नहीं जी दूसरा पूर भी तैयार हो चुका है, अभी इसको भी निकाल लेते हैं जी कढ़ाई से बाहर। आज भाई सूरज भी निकला तो उसी बात की बड़ी खुशी की बात है कि सूरज निकला है तो पहले भाई सोलर पे मशीन भी चलाई है, आई माशा 4-5 मन जो है ना उसकी सहाय भी की है, अलहमदुल्ला पे बड़ी खुशी हुई तो सूरज निकला था, खुशी खुशी में कहता बेगम से कहा आप सब जीवन पकौड़े बनाए, तैयारी कह रहा है कि हवा भी चल रही है, तो टेस्ट करते हैं खाते हैं आप। ये लो जी भाई रहता और इधर रहे सब्जी वाले पकौड़े, हाँ जी सजे सजे तैयार हो भी नहीं तो सजे सजे खाती भी नहीं है, गरम गरम खाने का अलग ही मजा है। बताएं फिर किस तरह का टेस्ट है। प्याज जो है ना इसमें हमने वो थोड़े ज्यादा डाले हैं, बड़े वाला प्याज काट के डाला, प्याजों से ना पकौड़ों का मजा आता है। चलें जी अभी हम भी खा लेते हैं, हाँ जी और मैं अम्मी का थैंक्स करता हूँ। हाँ जी और इधर देखो अभी और भी मसाला पड़ा है, अभी और भी पकौड़े तैयार होने हैं, अभी इतने तैयार हो चुके हैं, अभी हम बैठे खा रहे हैं, देखा काफ़ी मज़े का है, अबू जी बता रहे हैं, अभी मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी खा लेता हूँ कि मुक ना जाए।
इस तरह पकौड़े जो बने हुए हैं। ये पकौड़े जो है वो भी हम बैठे खा रहे हैं, अभी अम्मा जी और अबू जी ने खा लिए, अभी इधर पकौड़े पड़े भी हुए हैं और अभी इधर तैयार भी, और मसाला भी पड़ा है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं बोर्ड दसी जाऊँ टिकटॉक का अकाउंट बनाया, मेरे फॉलोअर नहीं पूरे होते, मैं नोची लगी हुई है, मैं वीडियो ला ला के थक गया हूँ उससे भी। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बरकत पाएगा आपके कारोबार में। इधर प्लेट लेके आया, क्योंकि जो मेरा चक्की वाला लड़का है ना, वो मशीन चला के खड़ा है, तो उसके लिए भी पकौड़े लेके जाता हूं। हाँ गर्म हो गर्म। वो असल में ये है ना, उसके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, मैं कहता तो कहीं 1000 फॉलोवर हो तो मैं लाइव आवा। ओ तेरी खैर, मैं निकाल लो देखो, तो मैं वीडियो ला ला के थके हुए डेली त्रै त्रै चार चार। चले जी, कोई नहीं, वो किसी दिन हो जाएंगे, आप भी कर देना जाके अगर आपने ये यहाँ से क्लिक देख लिया है तो। तो नेम मैं बता दूं, उसका नेम भी यही है, मुबशर मुनोर व्लॉग्स जो चैनल का नेम है। टिकटॉक पे सर्च करना, वो आपको ना मिल जाएगा। उत्थे मेरा रत्ती अपर पाई हुई, तो मेरे कल की फोटो लगी हुई है जना, पूरी नाल कोई नहीं। तो अभी वो आरजी तौर पे मैंने लगाई प्रोफाइल, फिर एक न्यू बनाऊंगा, उसमें अबू जी और मैं ना इकट्ठे खड़े होकर बनाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले फॉलोअर करे सोने और लास्ट समय है। आप ये ना कह रहे, ये नहाते नहीं है सर्दियों में। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अल्लाह हाफिज।